हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए IPL 2024 के दोस्तों जो है आपका 60th मैच की मैच परीक्षा और जो 60th मुकाबला खेला जाएगा इस कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच। और जो मुकाबला है दोस्तों ये होगा आपका 11 मई की गाइस शाम को 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार मुकाबला खेला जाएगा ईडन गार्डन कोलकाता में। तो मैच पर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, गाइस फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं। कि कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच में चेंज होता है तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है गाइस डॉली बैटिंग टिप्स चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन चैनल में डाला करूँ ज्वाइन हो जाया करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है, सभी लोगों से ज्वाइन होना। जो लोग भी गाइस सॉल्यूशन चैनल से डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में ज्वाइन नहीं होगा उसको सॉल्यूशन चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों मेरे ही चैनल है। तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन में परीक्षा ना के सीधा आपको डॉली बैटिंग चैनल में परीक्षा दे दी जाएगी। तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाए। अगर आप मेरे कहने पर भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग चैनल में ज्वाइन नहीं होते तो प्लीज़ सॉल्यूशन ऑफ चैनल से भी लेफ्ट हो जाना, नहीं तो मुझे मजबूरन आप सभी लोग को रिमूव करना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ चैनल से। एक बार के लिए सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन नहीं होगे चलेगा, पर डॉली बैटिंग चैनल में सभी को ज्वाइन होना चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है गाइस, तो दोनों टीमों के प्लेयरों पर नजर डालूँ तो मुंबई इंडियंस के पास जो प्लेयर है ईशान किशन, रोहित शर्मा, नमनदीप, सूर्य कुमार यादव जो कि गजब फॉर्म में है, तिलक वर्मा, हार्दिक पांडे। और मैं बताऊंगा इस क्रिकेट में जो सूर्य कुमार यादव को पहचानने वाले जो प्लेयर थे वो गौतम भैया ही थे। गौतम भैया ने उनको कलकत्ता में बताया था कि बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। और जो आजकल लोग स्काई स्काई बोलते हैं ना सूर्य कुमार यादव को, गौतम गंभीर ने उनको ये नाम दिया था। तो अच्छे से वाकिफ है दोनों एक दूसरे से। टिम डेविड, नुवान तुषारा, डिवर्ल्ड ब्रेविस जैसे प्लेयर हैं। वहीं अगर मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पर डालूँ तो फिल्म सॉल्ट, सुनील नारायण, अंग्रिकेश रघुवंशी, ये लड़का भी बहुत अच्छा बनेगा आगे चल के, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, और आपका रमनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ, पल्ला तो दोस्तों KKR का ही पल्ला भारी है, क्योंकि दोस्तों KKR जो है पिछले 5 में से 4 मैच जीत के आ रही है और मुंबई इंडियंस जो है 5 में से 1 मैच जीत के आ रही है। ठीक है गाइस, लेकिन इन दोनों टीमों के बीच जब भी मैच हुए हैं 5 जीती है कलकत्ता, 5 जीती है मुंबई। और मैं आपको बताऊं बहुत ही सालों बाद पिछला मुकाबला जो है मुंबई जो है हारी थी कलकत्ता से। वैसे हारती नहीं है कलकत्ता से, बस पिछला मुकाबला हार गई थी, वैसे ही कलकत्ता को हराती है हमेशा। करीबन 2 साल बाद मतलब जीती थी कलकत्ता, और पिछले 3 मुकाबलों में से गाइस अब 2 बार जीती है कलकत्ता, 1 बार जीती है MI। ठीक है, इन दोनों टीमों के पिछले 10 मुकाबलों में डालू 10 में से 7 मैच जीत के आ रही है कलकत्ता नाइट राइडर्स, 10 में से 4 जीत के आ रही है मुंबई इंडियंस। 202 रन हाई एवरेज स्कोर है कलकत्ता नाइट राइडर्स का, 182 है मुंबई इंडियंस का, 272 है हाईएस्ट स्कोर कलकत्ता नाइट राइडर्स का, 247 है मुंबई इंडियंस का, 137 रन कलकत्ता नाइट राइडर्स का लोएस्ट है, 125 रन मुंबई इंडियंस का लोएस्ट है। इस ग्राउंड पर बात करूँ तो 10 में से 5 मैच जीतती है आपका कलकत्ता, लेकिन इस ग्राउंड पर 10 में से 8 मैच जीत के जीतती है आपका मुंबई इंडियंस। मतलब मुंबई इंडियंस ने यहाँ पे 10 में से 8 मैच जीते हैं, खुद जिनका होम ग्राउंड है उन्होंने 10 में से 5 मैच जीते हैं। 191 रन एवरेज स्कोर है कलकत्ता नाइट राइडर्स का, 180 है मुंबई इंडियंस का, 261 रन हाईएस्ट स्कोर है कोलकाता नाइट राइडर्स का, 210 रन है आपका मुंबई इंडियंस का, 149 रन लोएस्ट है कोलकाता नाइट राइडर्स का, 148 है मुंबई इंडियंस का लोएस्ट। बारिश की संभावना 40% है। अगर इस ग्राउंड पर पिछले कुछ मुकाबले पर डालूं, दिल्ली ने बनाए थे 153, KKR वो चेस कर गई थी, कलकत्ता ने बनाए थे 261, मुंबई वो पंजाब वो चेस कर गई थी, कलकत्ता ने बनाए थे 222, RCB वो चेज कर गई नहीं कर पाई थी, 1 रन से हारी थी। वैसे चेज यहाँ पे अच्छा होता है। ठीक है इस पर टॉस इतना मुझे वैल्यू नहीं लगेगा कि करेगा। ठीक है, और भी स्टैट्स पे नजर डालू तो स्टैट्स जो है 6 ओवर में यहाँ पे पहली पारी में बनते हैं 57, दूसरी पारी में बनते हैं 68, 10 ओवर में बनते हैं पहली पारी में 90, दूसरी पारी में 102, 15 ओवर में बनते हैं पहली पारी में 134, दूसरी पारी में 145, 20 ओवर में आगे बनते हैं पहली पारी में 191, दूसरी पारी में 201। तो ये तो थी सेशंस की बात है, तो जिसको भी सेशन खेलना है मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको सुन के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच में चेंज होता है ना
तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है गाइस जॉली बैटिंग चैनल नाम से, उसका लिंक मुझे अभी सॉल्यूशन ऑफ चैनल में डाला करूँ, ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है, सभी लोग उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी गाइस सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन ऑफ चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइस दोनों मेरे ही चैनल है। तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग चैनल में प्रेडिक्शन दे दी जाएगी, तो ये आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाए। अगर आप मेरे कहने पे भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग चैनल में ज्वाइन नहीं होते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ चैनल को भी लेफ्ट कर देना, ठीक है गाइस। एक बात और बताऊं गाइस, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे चैनल सॉल्यूशन ऑफ चैनल के नाम पे और मेरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल के नाम पे, तो आपको उन फेक चैनलों से कैसे बच के रहना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगी, आपको वहाँ पर मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा, सभी को डॉली बैटिंग चैनल में भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि दोस्तों दोनों मेरे ही चैनल है, तो जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। एक बार के लिए सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन नहीं होगा चलेगा, पर डॉली बैटिंग चैनल में सभी को ज्वाइन होना है। तो भले ही कलकत्ता बैक टू बैक मैच जीत के आ रही हो, चाहे भले ही कलकत्ता कितने रन बना रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुकाबला जो है मुंबई इंडियंस जीतेगी, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।